अब वो भी भाग गए पीछे बैठने के लिए। सब काम छोड़ के मैं मेरे यहाँ पे बाल्टी ले रही है, कितना गंदी लग रही है। पूछते वकार भाई का अबू का क्या हाल है, सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसी तबीयत? सुनाए ठंड लग गई है आपको? अभी के पास में पहुंच गया और पूछता हूँ इसे क्या सवाल है। अभी आपने क्या सवाल बनवा रहा है? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की प्यारी अच्छी और बेहतरीन सुबह का आगाज़ हो गया है, अल्लाह करे आज का दिन आपका अच्छा सही सलामत और ज़बरदस्त गुजरे, और जो भी डेली की रूटीन है और डेली के काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ मेरे चैनल को देखें, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल से सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ फुल देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हम जबान रखें और जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर करें और जो बीमार है उनकी बीमारी को भी दूर करें और जो कर्ज वादे हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज याद दिलाए और जिनके माँ बाप जिदा है अल्लाह ताला उनका उनके सिरों पर कैब उदय रखें और जो बाहर के अल्लाह ताला भी अकेले गया है अल्लाह ताला उनको कामयाब करें और उनको अच्छे मुसबर फैज करें। आमीन। हमारी चाय है जो वो भर चुकी है, वो जब देखची पड़ी हुई है और अभी मेरी वाइफ जो पराठे बना रही है और मुजम्मिल भी चाय पी ली है। अब पराठे नहीं खाएगा है ना? पराठे नहीं खाएगा ना जी? नहीं खाएगा पराठे था? कराची वालों को क्या काम है कि ठंड को बर्दाश्त करें? ये हम पंजाब वाले हैं जो ठंड को बर्दाश्त करते हैं, कराची वाले तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और वकार भाई के अबू को लगी सर्दी और उसकी सर्दी से उसका है बुरा हाल, तो उसके लिए हमने जो है आटे बनाए हैं उबाल के उनको देंगे और खाएंगे। सर्दी से बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लगी है और कपकपी आई है। और पूछते हैं वकार भाई के अबू का क्या हाल है, सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसी तबीयत? सुनाए ठंड लगी है आपको? जी इधर ठंड है, कराची में तो पता भी नहीं चलता ठंड का। और एक आज भी नहाल है और सही फेर हो जाएंगे जी जी। कराची वाला काम नहीं है ठंड बर्दाश्त कर रहा जी, हाँ जी, ये हमारा काम है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सही है, बहुत ठंड है, वैसे मजा आता है, मजा तो आता है फिर हाँ। मजे फिर वल्ले भी होते हैं जी जी बिल्कुल। तो ये आप ले दे, मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू बेटा। मशीन की जो मोटर है वो खराब हो गया है और उस टोका मशीन की मोटर भी खराब हो गई और ये मोटर जो है पानी छोड़ जाती है, ये भी तकरीबन ख़राब हो गई है, काफ़ी सारे काबी के लग गए। ये देखिए अब इसको मैं खोलता हूँ और इसको लेके जाता हूँ बशर क्या मिस्त्री को और उससे बनवाता हूँ। मोटर मैंने निकाल दिया, ये देखिए पूरी वायरिंग मैंने इसकी निकाल दी है और ये वायरिंग यहाँ से भी निकाल दी है। अभी मैं इसको लेके जाऊँगा एवं बशर किया वहाँ जाके बनवाऊँगा। देखिए पूरी मैंने मोटर निकाल दी है। फिर अभी के घर पहुँच गया हो और पूछता हूँ कि वो उसका क्या सवाल है, सौदा वगैरह जो लेके आना है जो पूछ रहे हैं कि क्या लेके आना है उनके लिए। अभी के पास में पहुँच गया और पूछता हूँ इसे क्या सवाल है। अभी आपने क्या सवाल बनवा रहा है? घी और चीनी। अच्छा, दवाइयाँ। चलो ठीक, और दूध। चलो दे, चलो ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। मैं और सुहेल जा रहे हैं अपने सिटी में, अपने शहर में, वहाँ जाके मैं अपनी मोटर बनवाऊँगा जो खराब होगी है, कपड़े धोने वाली मशीन की, और भी काफ़ी सारे काम है वो भी करने हैं। सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये देखें गांव की सब हरियाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी हर तरफ हरियाली है, कहीं पर भी बंजर जमीन नहीं है। और ये है कबूतर जो हम कबूतर समझ कर ले आए थे और ये है कबूतरी, तो हमें ये वापस करना है। और ये साथ में मशीन की जो मोटर है वो भी लेके जा रहे हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, इसे बनवाना है। और ये देखें इधर इस दुकान में मैंने भेजा है सुहेल को बिल पे करने के लिए बिजली का, क्योंकि आज आखिरी तारीख है ना, फिर जुर्माना लग जाएगा। तो सुहेल ये देखिए सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पे बिजली का बिल पे करेगा। जो है बिजली का बिल पे करके आ गया, हो गया जी। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मस्जिद तमीर हो रही है, अभी तक इसका काम नहीं हुआ क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। और अभी सामने का काम जो है ये मुसाफिर खाना, तो ये थोड़ा छोटे दो कमरे बना रहे हैं जिसमें जो मुसाफिर आते हैं वो रहेंगे। अभी तक इसका काम नहीं हुआ क्योंकि इतने पैसे नहीं है।
अभी यहाँ पे स्टॉप लिया है और ये देखे सामने ये छाता जो बना हुआ था इसको भी पेंट कर दिया गया है। ये देखे लकड़ी के कलर का इसको पेंट किया है और ऐसा लगता है जैसे लकड़ी उगी है और उसके ऊपर छाता बन गया है। सामने देखे ये जो पत्थर है इनको भी कलर कर दिया गया है। देखिए कितना खूबसूरत इसका सेटअप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सेटअप है इनका। अभी जो इनका काम हो रहा है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। देखिए ये सामने ये भी बने हुए हैं, इनके ऊपर लकड़ी का पेंट करेंगे। अभी इनका बहुत काम होना बाकी है। और देखिए ये इनके रहने की जगह, ये छोटी सी इन्होंने फुहारा बनाया हुआ है, इधर पानी छोड़ेंगे और ये फुहारा बन जाएगा। ये देखिए इसका भी सेटअप जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी एवा कुशल के पहुंच गया, तो अभी जा रहे हैं आगे जहाँ से कबूतर लेंगे और ये वापस करते हैं और कबूतर लेते हैं। और ये मोटर भी बंदे से देती है। वो गए हुए वॉशिंग मशीन उस दुकान के अंदर, वॉशिंग मशीन की जो है किस्त भरने के लिए, जो अंकल चॉइस ने ली थी वो किस्तों पर ली थी। अबू गए हुए वो किस्त भरने के लिए अंदर ठहरे हुए, ये सामने ही ठहरे हुए अबू, ये रहे अबू। अबू सब काम छोड़ के मैंने पहले यहाँ से बाल्टी ले ली है, कितना गंदी लग रही है। पीछे चक्कर की रखना लगेगा पर बाइस तो ये भी लग रहे हैं, मीठे भी लग रहे हैं। मोटर लेके अंदर पहुँच गए और इधर से ही बनवाते हैं। पहले मेरी दादी का फैन भी इधर से बनवाया था, तो अभी मोटर भी इधर से बनवाने आए हैं। हर काम इधर से करता है जो इलेक्ट्रिक की दुकान का होता है। अभी कबूतरों वाली छाने पे आ चुके हैं और ये कबूतरी तो अभी इधर से एक जो गया कबूतर ले रहे हैं। हमने कबूतर जो ले लिया वो अभी छाने पे रख के हैं, क्योंकि ये छोटी सी जाली है और दो कबूतर इसके अंदर नहीं आ सकते। तो जब सामान सारा ले लेंगे वापस मैं जाऊँगा, लेके आ जाऊँगा। अभी और सामान है यहाँ से लेते हैं सारा का सारा। हमने इधर से सारा सामान ले लिया, तो अभी पैक करते हैं कुत्ते के अंदर। इधर आ चुके हैं, इधर से जो चीज़ वगैरह ले ली वो इधर से ले रहे हैं। और अब उन्हें कुछ चीज़ लेके यहाँ पर रख दिया है और जो चीज़ें यहाँ पर लेके रख रहे हैं। अब ये देखिए ये सारी दुकान भरी हुई है। अभी सारा सामान जो ले लिया है, अभी और जो काम होगा वो करेंगे और ये पैक करते हैं चीज़। और यहाँ से सब्जी ले रहा हूँ, गाजर, ये टमाटर कितने प्यारे लगे हैं। और मैं अभी लेगा मटर और आलू और गाजर भी लूँगा। अभी तो भी 40 अभी कबूतर उठाने के लिए मैं बैठा हूँ बाइक पे, अब कबूतर का आ जाए तो फिर चलेंगे घर। और मैं बाइक पे बैठा हूँ क्योंकि सामान है यहाँ पे, कुछ सामान ना लेके जाए इसलिए मैं बाइक के साथ बैठा हूँ। तो लेके आ गए तो अभी चलते हैं घर। के अंकल जाहिद जो है साइकिल चला रहे हैं काफी अरसे बाद, ये देखे अब वो भी भाग गए पीछे बैठने के लिए। ये बड़ी फनी वीडियो बना रहे हैं। वो देखिए अंकल वो गए, अंकल घूम रहे हैं मजे से। अब पीछे बैठने के लिए गए, बिठाया नहीं अंकल ने। देखिए मेरा जो है ना उमरा फाख्ता कितनी मजे से अपनी फाख्ता के साथ गुनगुना रहा है, बड़े मजे से बहुत मस्ती में है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह भी करता है। हमारी चाय जो तैयार हो रही है, बन रही है। ये देखिए अभी हम चाय पीते हैं रात की, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है तो इसलिए चाय पीएंगे तो उसकी गर्मैश मिल जाएगी। और इधर मुजम्मिल भी डिनर कर रहा है और इधर सुहेल और मुजम्मिल को देखिए आराम से आग सेक रहे हैं। और मुजम्मिल जो है डिनर कर रहा है और सुहेल जो है चाय का इंतजार कर रहा है। एक भाई खाना खा रहा है, दूसरा भाई चाय का इंतजार कर रहा है। और इधर जो है ना ये सानिया इधर सोई हुई है आराम से मजे से। ठंड इतना है कि वो मौलवी साहब भी आया तो उनको भी हमने चाय दिया है। हाँ मौलवी साहब ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मौलवी साहब को भी ठंड लगी है। मौलवी साहब को गर्म कपड़ा पहना करो, ये अंजरा का कावड़ी है जो सखी निकला पहनता है ना केस, वो मेरा डिनर लग चुका है। आज डिनर में है आलू और मटर और साथ में है चटनी और मैं करता हूँ डिनर रहता है। और मेरे वाइफ जा रहे हैं हमजा घर और वहाँ जाके उनसे रिसीवर लेना है, क्योंकि हमारा रिसीवर ख़राब हो गया तो उनका रिसीवर लेंगे। तो डाल को ड्रामा देखेंगे, डागेर वाला ड्रामा मुझे बहुत पसंद है और मैं डागेर वाला ड्रामा देखूँगा। घर पहुँच गया और काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली से मुलाकात हुई, दिनों से दिल्ली बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ भाई दिनों ठीक है, तबीयत ठीक है। ओ तुम्हारा किधर गया दादा, दादा किधर गया, दादा दादा किधर गया, उधर गया है कमरे में अपने में। अच्छा ये सुनता भी नहीं है, बोलता भी खाली इशारा करता हूँ ये समझ आता है। और इधर देखिए ये क्या कर रही हो, पहना काम कर रही हो स्कूल का जी। और ये हमजा ये आराम से बैठा हुआ है। हमजा आज कुछ नहीं खिलाएगा यार, है कि नहीं खिलाएगा आज,
खिलाऊंगा। खिलाओ फिर जी। हाँ किन्नू खिलाओ यार हमें। लेके लेके आ भी गया। वाह भी हमजा। हमजा ये दोनों किन्नू मेरे आए जी। दोनों मेरे आए जी। वाह भाई वाह। चलो भाई यार कौन सा ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये मैं लेता हूँ। बड़ा तगड़ा किन्नू लग रहा है। चलो ये किसको देगा? खुद खाएगा? खुद खाएगा? खाला को देगा जी। चलो ठीक है मेहरबानी हमजा। यूट्यूब फैमिली तो वकार की मुँह की हालत टैट हो गई है। सर्दी से उसका हो गया बुरा हाल। सुबह आपने उनको ढक दिए थे। आपने देखा कि कितनी सर्दी से है उसको, क्योंकि सर्दी तर बहुत ज़्यादा है। और ये वो कराची में रहते हैं और काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, बहुत अरसे के बाद आए हैं, तो उनसे ये सर्दी और ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उनकी हालत टैट हो गया है। तो आज हो गया हमारे घर से दूसरे रिश्तेदार को घर गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद सबसे मिले गए। तो और दूसरा मुझे कमेंट आया है कि वकार के अबू आपके क्या लगते हैं। तो मैंने एक दो पहले भी आपको बताया था कि वकार के अबू जो है ना मेरी फूफो के शोहर हैं, और वो जो मेरी उसकी बीवी है ना वो मेरे अबू की कज़न है, चचा की बेटी है। तो इस लिहाज से वो रिश्ते में मेरी फूफा हो गई और ये उनके शोहर है, तो ये मेरे फूफा हो गए। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी ऐड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।